जब इलेक्शन आओगे नहीं, वैसे मोदी साहब ने तो यही कहना है मित्रों अगली भर्ती में फिर होगा, बस और होना जाना तो है नहीं कुछ, ठीक है, बस मित्रों मित्रों रह गए और तो रहे ही नहीं कि मैं बस। लेकिन हमारी मांगे कोई देखता तो नहीं है जी। हर कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ, जिनकी मतलब अप्रोच थी वो लग गए मारा भर गया, जो अपने तंग हो रहे हैं जी, कई बार आ चुके हैं जी, कभी मतलब रोज ऐसे बोलते हैं भाई कल आना है परसों आना है जी, तो काम सीजन का काम है जी, ये छोड़ के आना पड़ रहा जी, काम धंधा बिल्कुल ही किसी के दूसरे के लगते हैं जी, बार बार छुट्टी कोई देता नहीं जी। तो हमारे साथ सरासर मजाक हो रहा है सर जी, अपने मतलब जो दिहाड़ी करते हैं वो छोड़ के आए यहाँ, तो यहाँ आने के बाद ये सिस्टम मिला ना कोई। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम यादव, ये सीधी तस्वीरें आप कैथल के बस स्टैंड की देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि जो ये युवा हैं, ये हरियाणा कौशल विकास योजना के तहत इन्होंने जो 14 तारीख से यहाँ रोडवेज में फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे थे, और आज इनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू होनी थी, लेकिन अचानक जो निर्देश है वो आए हैं जिस कारण ये ट्रेनिंग से वंचित रह गए। तो आइए इनसे जान लेते हैं किस तरह की ये भर्ती थी, क्या कुछ इन्होंने अप्लाई किया था और क्या कुछ पूरा मामला है। हाँ जी, नाम आपका? नाम राकेश है सर जी, नरवाना से, जिला जींद जी। सर ये फार्म भरे थे तो कल हमारे पास फोन आया था भाई, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके इधर आ जियो जींद में जी। मतलब सॉरी कैथल में जी। तो यहाँ आए सर, यहाँ सुबह आए तो ये नोटिस लग गया मिला भाई, मतलब बंद कर दिया जी। तो ये नहीं पता लग गया भाई कि रीजन क्या था इसका बंद करने का, तात्पर्य क्या था कि ये तो हमारे साथ सरासर मजाक हो रहा सर एक जी, अपने मतलब जो दिहाड़ी करते हैं वो छोड़ के आए यहाँ, तो यहाँ आने के बाद ये सिस्टम मिला ना कोई रीजन नहीं कोई और नहीं, बस अपने फार्म जिनकी मतलब अप्रोच थी वो लग गए मारा भर गया, जो अपने तंग हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग पे बुलाया था, तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग 5 दिन के लिए बोला था सर भाई, 5 दिन की। हाँ जी, इसके बाद ट्रेनिंग के बाद तो सीधे मतलब नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ये बोला था भाई 5 दिन की ट्रेनिंग है आपकी, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके इधर आ जियो जी। तो अब सुबह 8-9 बजे का टाइम दिया था, तो यहाँ सभी आए हुए जी आ रहे हैं जितने भी हैं जी। तो क्या मांग करते हो आप? मांग तो ये करते हैं सर, जो ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहे हैं तो बंद करो ये, तो या तो ये वैकेंसी निकालनी नहीं थी जी। अगर निकाल दी तो फिर हमको मतलब अपना वो करो जी। तो मतलब कितनी वैकेंसी है? वैकेंसी मेरा नाम राजीव कुमार है जी, गांव मानस से, जिला कैथल है जी। तो जैसे कि 13 तारीख को इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जी, और 14 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे जी, जो 18 तारीख तक भरे गए थे फॉर्म जी, जी। फॉर्म की संख्या लगभग 5,000 से ऊपर थी जी। फॉर्म भरने के बाद इनका कल दोपहर बाद दो बजे के आसपास करीब फोन आया कि आपकी ट्रेनिंग है और आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है जी। तो सभी साथी 9 बजे यहाँ कैथल बस स्टैंड के पास पहुँच चुके थे, और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो स्थगित कर दी गई वैकेंसी सरकार के आदेश अनुसार। सरकार ने पीछे से बोला है कि भाई अभी रोक लगा दी गई है, जो भी समय मिलेगा इसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे या कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा जी। लेकिन हमारी मांगे कोई देखता तो नहीं है जी। हर कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ, बस ये 2-4 बैठते हैं, कोई 5 बैठते हैं, 2-4 की बात सुनी फिर सरकार अनदेखा कर देती है सभी बातों को। उम्मीद कहीं ना कहीं जगी थी रोजगार की? हाँ, ये तो जगी, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा कौशल के अंदर और हमें वैकेंसी मिल जाएगी, जैसे कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र देंगे, प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद जो भी वैकेंसी होगी सबसे पहले हमारी मांगे रखी जाएगी भाई, प्राथमिकता दी जाएगी हमें जी। तो कहीं ना कहीं मायूसी अब चेहरे पे देखने को, मायूसी तो सभी मायूसी साई हुई है कल से। ठीक है जी, जैसे आप बताइए नाम आपका? संजीव नेहरा, गांव लोन, जिला जींद जी। हम कल डग डुग वगैरह किए थे, उन्होंने हमको बोला था कि शाम को कि सुबह 8:30 बजे आ जाना जी, तो आपकी ट्रेनिंग है 5 दिन की जी। हम आए यहाँ पर जी, यहाँ पर पोस्टर मिलेगी अभी नहीं होगी, 10-15 दिन के लिए रोक दी गई है जी। तो क्या यहाँ जो अधिकारी उनसे मिले हो? नहीं मिला था, अंदर बोले थे, वो बोल रहे हैं कि हमको भी नहीं पता, हमको जो ये कहा हमने यही तुमको बोला है। ठीक है, आप बताइए नाम। मेरा नाम मुकेश है जी, गांव मतलब डा है जी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है जी। जी, कई बार आ चुके हैं जी, कभी मतलब रोज ऐसे बोलते हैं भाई कल आना है परसों आना है जी, तो काम सीजन का काम है जी, ये छोड़ के आना पड़ रहा जी, काम धंधा बिल्कुल ही किसी के दूसरे के लगते हैं जी, बार बार छुट्टी कोई देता नहीं जी। तो मतलब पानीपत से आए हो? हाँ जी। पानीपत से कौन सा चक्कर है, पहले फॉर्म भी जमा करवाए होंगे आपने? तो 5-6 चक्कर लग चुके हैं। 5-6 चक्कर लगे, अब आपने पता नहीं था जैसे आज भी आज पता था जी, ये बुला रखे थे जी, फिर अभी नोटिस वो कर दिया जी सवेरे, लास्ट डेट 20 तारीख की दी थी जी। ठीक है,
तो 20 तारीख की डेट देने के बाद भी ये भी एक मना कर रहे हैं जी। ठीक है जी, सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है जी। ठीक है जी, ये तो सर एक मजाक ही है और तो इसको कुछ कह नहीं सकते ना कोई, ये बस ये तो वही बात है, ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके आगे भी जो जो इलेक्शन आओगे नहीं बस मोदी साहब ने तो यही कहना है मित्रों अगली भर्ती में फिर होगा बस, और होना जाना तो है नहीं कुछ। ठीक है बस मित्रों मित्रों रह गए और तो रहे ही नहीं कि मैं बस। ठीक है बस ये मित्र जिंदे रह जो बस। हाँ जी आप बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है, अहमदपुर मेरा। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया के थ्रू जो हमारी आवाज़ है ना वो सरकार तक पहुँचती है। ठीक है सर, और जिसके अनुसार भाई हम जो अपनी मतलब बात है जो हमारी मतलब प्रॉब्लम है समस्या वो सरकार तक पहुँचती है। सबसे पहले आप लोगों का थैंक। तो जो मेन चीज़ है जैसे हमारे भाइयों ने बताया कि इन्होंने डिपो वाइज जैसे 13 तारीख को कैथल डिपो में वैकेंसी निकाली थी, सॉरी वैकेंसी नहीं वो सिर्फ 5 डेज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम था इनका जी। और आफ्टर दैट ये क्या है कि 5 डेज ट्रेनिंग देने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देना था इनको। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा कि जैसे अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड जो एक सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है कि उसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फ्यूचर में इन फ्यूचर वैकेंसी रिलीज्ड बाय HSSC ऑफ एनी पोस्ट इन हरियाणा रोडवेज भी आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी उसमें। हाँ जी हाँ जी, आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जैसे नोटिफिकेशन आए सर आपको पता है बेरोजगारी इतने आए 2 साल कोरोना तो सब के सब घर बैठे हैं। ठीक है ना, तो हमारे अंदर एक उम्मीद जगी और मैं ये मानता कि ठीक है सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 14 तारीख को अंदर GM ऑफिस में सॉरी 8 नंबर रूम में यातायात शाखा में अपने फॉर्म भी सबमिट करा दिए थे। तो कल हमारे पास कॉल आया था कि ठीक है भाई आप लोग अपने मॉर्निंग में 9 बजे और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँच जाना, तो आप लोगों का 5 डेज का ट्रेनिंग का शेड्यूल है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला, और कुछ जैसे हमारे साथीगण उनकी स्टार्ट भी हो चुकी थी। ठीक है सर, तो हम जैसे हम मॉर्निंग में आए 9 बजे और मेरा गांव भी जैसे मतलब यहाँ से 40-42 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे नोटिस है, इन्होंने बोर्ड पे नोटिस चिपका दिया। तो अब मैंने जैसे गार्ड साहब से पूछा, उन्होंने अंदर एंट्री इन्होंने दी क्योंकि सिक्योरिटी वाइज ठीक है सर, हम भी शांति चाहते हैं, शांति मतलब व्यवस्था उसमें ताकि मतलब प्रशासन को कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमारी भी समस्या सुनी जा सके जी। तो इन्होंने बोला कि ये रात को नोटिस आया, तो हम बोले सर मेरे पास कल को दोपहर को 2:03 पे कॉल आई थी भाई आपको यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है सर, उसके बाद लेकिन हमारे पास कोई मैसेज मतलब कुछ नहीं आया, कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ डिपो की ओर से भाई ऐसे ऐसे करके आपकी ट्रेनिंग भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुके हैं, अगले आदेश तक रोक दी गई है। तो क्या मांग करते हो आप? मैं मांग करता हूं सर कि ठीक है जो हमने मतलब इतनी मेहनत से पहले तो इतनी बेरोजगारी है और आज के टाइम में सर मैं मानता हूं कि मतलब जेब में 100 रुपए लेके पेट्रोल इतना महंगा है, आते हैं यहां पे 2-2 बार ठीक है, और ये फिर आगे हमें यही रीजन मिलता है मतलब ये रिजल्ट मिलता है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार ठीक है ये कोई वैकेंसी नहीं है पहली तो बात है जी। ठीक है ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये सरकार का 5 डेज का ट्रेनिंग शेड्यूल है कि हमारी मतलब ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे, फिर आगे सरकार वैकेंसी आएगी, मेन तो उसका है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये तो स्टार्ट करे सर, इसका तो कोई ऐसा अप्रोप्रिएट रीजन बताए भी आपकी आफ्टर 10 डेज स्टार्ट हो जाएगी 15 डेज स्टार्ट हो जाएगी। तो हम तो GM साहब से डिपो से या फिर हरियाणा रोडवेज में जो भी मतलब बड़े अधिकारी लोग उनसे यही चाहते हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल जल्दी से जल्द स्टार्ट कर दिया। मुख्यालय से आदेशानुसार हमने चालक परिचालकों के फार्म भरवाने और चालकों के टेस्ट लेने शुरू किए थे जी। कल तक जो भी चालक पास हुए उनका आज ट्रेनिंग पे बुला लिया गया था और परिचालक का जितने फार्म आए थे 1 से 250 तक जो क्रमांक थे उनको आज ट्रेनिंग देनी थी जी। लेकिन रात को ही मुख्यालय से मैसेज प्राप्त हुआ, आई हैव बीन डायरेक्टेड बाई WDST टू स्टॉप ऑल एक्सरसाइज ऑफ ट्रेनिंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश ड्राइवर्स कंडक्टर्स वर्कशॉप स्टाफ फॉर द टाइम बींग टिल फर्दर ऑर्डर, ऑल GMs आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर कंप्लेंस विज रिगार्ड्स। तो हमने मुख्यालय के आदेशों की पालना करते हुए जैसे ही आगे आदेश मुख्यालय से प्राप्त होंगे वैसे ही हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सर इनको जैसे ना आने का कोई फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह नहीं गया, जबकि कल इनके पास फ़ोन गए थे दूर दूर से, कोई पानीपत से, कोई नरवाना से, कोई जींद से आए हुए थे, ऐसा है? ये तो जैसे हमें आदेश प्राप्त हुए हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं होती, हम जिस गोविंद बुलाए हमें पहले था निर्देश भी जिनके टेस्ट लेने हैं और ट्रेनिंग करवानी है उस आदेश के अनुसार हमने ट्रेनिंग का इनको फ़ोन किया था। आदेश प्राप्त हुए रात को तो अब सुबह उसी टाइम मैसेज डाल दिया था ग्रुप में भी और यहाँ से फ़ोन करने आज हमारे कर्मचारी फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन कितने बच्चों ने अप्लाई किया? वो तो रिकॉर्ड से पता ऑफिस से दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे या सर उन्हीं डॉक्यूमेंट वो तो आगे सरकार के जो भी आदेश होंगे।